हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, एवी समर्पण अ जर्नी ऑफ लाइफ साइंस से मैं विकास। आज की इस वीडियो में हम सलाइवरी ग्लैंड्स की स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होता क्या है और इसका फंक्शन क्या है। सलाइवरी ग्लैंड्स हम उस ग्लैंड को कहते हैं जो सलाइवा सेक्रेट करता है। ये ग्लैंड हमारे माउथ में अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होता है। ये ग्लैंड थ्री पेयर्स होते हैं जिनकी पोजीशन अलग होती है। थ्री पेयर्स मींस सिक्स सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में ओपन होते हैं, जिसमें पैरोटिड जो कि हमारे इंटरनल ईयर्स के नीचे प्रेजेंट होता है। सेकंड है सबमैक्सिलरी, ये हमारे जो लोअर जॉ हैं इसके एंगल पे प्रेजेंट होता है। और थर्ड है सबलिंगुअल जो कि टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। ये जनरली हमें दिखता नहीं है लेकिन इस ग्लैंड से सेक्रेट होता है सलाइवा। यानी ये सिक्स ग्लैंड्स सलाइवरी ग्लैंड्स मिलकर के सलाइवा सेक्रेट करते हैं और सलाइवा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए जानते हैं ये किस तरीके से हमारे बॉडी में फंक्शन करते हैं। सलाइवा में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वाटर, म्यूकस, लाइसोजाइम और एक खास एंजाइम जिसे हम कहते हैं टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज। जनरली जब हम सलाइवा की स्टडी करते हैं तो हम सिर्फ यही जानते हैं कि सलाइवा का एक फंक्शन है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, लेकिन यहाँ सलाइवा के और भी फंक्शंस होते हैं। तो समझते हैं कि सलाइवा में इतनी सारी चीज़ें जो प्रेजेंट होती हैं सबके कहीं ना कहीं फंक्शंस होते हैं। वाटर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है सो दैट वो फ्लूड होता है, और वाटर के बाद म्यूकस जो प्रेजेंट होता है, ये वाटर और म्यूकस मिल करके फूड को सॉफ्ट बनाता है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ वाटर की वजह से ही जो कंपोनेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं उस फूड में, वो डिसॉल्व होते हैं प्रॉपरली। इसके अलावा म्यूकस भी फूड को सॉफ्ट बना करके बोलस तैयार करता है जो ईजिली हमारे ईसोफेगस से पास होकर के स्टमक में जाता है। यानी यहाँ पे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। इतना ही नहीं, ये हमारे माउथ को मॉइस्ट बनाता है और पूरे के पूरे हमारे टीथ को क्लीन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है लाइसोजाइम जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइसोजाइम एक एंटी माइक्रोबियल है, ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने में यानी उसको किल करने में हेल्प करता है। जो फूड के साथ कुछ अमाउंट में बैक्टीरिया आते हैं वो सारे के सारे माउथ में फिनिश नहीं हो जाते, लेकिन जो बैक्टीरिया आते हैं उसको इस लाइसोजाइम की हेल्प से किल किया जाता है हमारे माउथ में। काफ़ी हद तक ये किलिंग हो जाती है अगर हम फूड को कुछ समय तक प्रॉपरली मिक्स करते हैं माउथ में। तो जो लास्ट है वो है टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज। नॉर्मली हम इसी के लिए सलाइवा को जानते हैं, यहाँ इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन फूड में प्रेजेंट स्टार्च को या ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम करता है, और ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, उसको कन्वर्ट करके यानी ब्रेक डाउन करके ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है माल्टोज में, या इसको ब्रेक डाउन करके डेक्सट्रिन में भी कन्वर्ट किया जाता है। बिकॉज होता क्या है कि हम फूड को प्रॉपरली हमेशा नहीं चबाते और कभी कभी जल्दी में इसे हम स्वेलो कर लेते हैं, निगल जाते हैं। इस कंडीशन में फूड का प्रॉपर डाइजेशन यानी स्टार्च का प्रॉपर डाइजेशन हमारे माउथ में नहीं हो पाता है, सो दैट कि ये सलाइवरी एमाइलेज के अलावा दूसरा एमाइलेज फिर आगे भी हमें इस डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलता है। लेकिन माउथ में अगर प्रॉपरली डाइजेशन होता है तो कुछ समय के बाद अगर हम ब्रेड खाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद फील करते हैं कि वो मीठा लगने लग गया। उसकी मिठास सिर्फ इसलिए होती है कि यहाँ पे स्टार्च प्रॉपर अमाउंट में ब्रेक डाउन होता है और वो हमें सुगर यानी मीठा स्वाद रिप्रेजेंट करता है, यानी फील करा देता है। तो
तो यहाँ पे सेलेवरी एमाइलेज को अगर फंक्शन समझें तो ये स्टार्च पर काम करता है और उसका ब्रेकडाउन करता है, यह सेलेवरी एमाइलेज। ये स्टार्च को ब्रेकडाउन किस में करता है? डेक्सट्रिन में। नॉर्मली हम जानते हैं कि ब्रेकडाउन करता है किस में? ये करता है माल्टोज में, माल्टोज में ही करता है, लेकिन कुछ अमाउंट में डेक्सट्रिन का भी फॉर्मेशन होता है जो फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होता है प्रॉपर डाइजेशन के लिए। आशा करता हूँ वीडियो से आपने जरूर कुछ सीखा होगा, सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी हम अच्छे वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।